हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। सेंटेंस ट्रांसलेशन को करवाने की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आज के बाद ट्रांसलेशन का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। आगे आने वाले 10 से 15 मिनट आपको पूरी वीडियो में बने रहना है। ओके, मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान के एग्ज़ाम्स में, ये जो टॉपिक है ट्रांसलेशन का, ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आता है। ओके, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। हम ट्रांसलेशन की जादुई ट्रिक पर बात करें, उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बताऊंगी ट्रांसलेशन के। ओके, अगर ये क्लास आप अच्छे से समझ जाओगे, मैं कह रही हूँ आज के बाद कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। मैं आपको कह रही हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी। ओके, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश टू हिंदी, इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करने हैं। ओके, अब हम ट्रांसलेशन करने से पहले हम कुछ जनरल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल रूल्स, वैसे तो ट्रांसलेशन कोई टॉपिक नहीं होता है, जैसे टेंस है, जैसे प्रेपोजिशन है, जैसे वॉइस है, नरेशन है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक नॉर्मल चीज है, जैसे लोग स्पोकन में काम में लेते हैं। हम हिंदी मीडियम के लोग हैं, राजस्थानी लोग हैं, हमें इंग्लिश बहुत कम आती है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेट करने में। उसी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगी। इसलिए ये जो जनरल रूल्स हैं, ये ग्रामर में कहीं नहीं है। ये मैंने सिर्फ इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको बनाकर दिए हैं। ओके, सबसे पहला काम होता है फाइंड द सब्जेक्ट। कोई, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो, यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट फर्स्ट। आपको सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। अगर आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, 30% काम आपने वही कर दिया है। तो आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। फाइंड द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढो। फाइंड द वर्ब, उसके बाद आपको वर्ब को टारगेट करना है। जैसे ही आप वर्ब को फाइंड आउट कर लेंगे, आपको उसके टेंस का पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। यूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि हिंदी के सेंटेंस में कुछ और लिखा होता है, बट क्योंकि इंग्लिश में फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो हिंदी के सेंटेंस में कुछ और वर्ड है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में कुछ वर्ब्स अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं, तो हमें अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करना है। ओके, फोकस ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स। नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हिंदी में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्लूरल नाउन दे रखी है, तो उसका जब इंग्लिश करोगे तो भी आपको एस या ईएस लगाना है, यानी उसको प्लूरल फॉर्म में ही लिखना है। ये है सेंटेंस ट्रांसलेशन की जनरल बातें। अब सीधा चलते हैं उस जादुई ट्रिक की जो मैंने बनाई है। ओके, जो मैंने बनाई है उस जादुई ट्रिक की बात करते हैं। तो मैंने जो जादुई ट्रिक बनाई है वो है JBE। अच्छा, ट्रांसलेशन करने के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंस का नॉलेज होना, जिन बच्चों के टेंस क्लियर नहीं है उनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने टेंस भी आपको पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर, आप जाकर वो टेंस की वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो ट्रिक का नाम है JBE। यार मैम, ये JBE क्या है? हम तो कंफ्यूज, और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। लेट मी क्लियर फर्स्ट। जंप, बिगनिंग टू एंड, येलो, ये है वो जादुई ट्रिक जिसकी मैं बात कर रही हूं। जंप बिगनिंग टू एंड, आपको भले ही हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो,
आपको शुरुआत से सीधा पीछे जंप लगा देना है, सब्जेक्ट लिखकर सब्जेक्ट के बाद में सीधा सेंटेंस के एंड में पहुंच जाओ। इसलिए मैंने इस ट्रिक का नाम निकाल लिया जंप बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत में जंप कर जाओ। कैसे करोगे मैं अभी बताती हूँ। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ये एक हिंदी का सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो आप आपको इसका सबसे पहला काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे करोगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट ऐसे करते हैं, जो ये जो एक्शन है, एक्शन को जो करता है, जो एक्शन करता है वो वर्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जिस पर एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। जा रहा हूं, ये जाने का काम कौन कर रहा है? विद्यालय कर रहा है या मैं कर रहा हूं? मैं कर रही हूं। इस वीडियो के बाद आपको ट्रांसलेशन की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर करवा के जाऊंगी बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में। मैं विद्यालय जा रहा हूं, हिंदी के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट को ऐसे फाइंड आउट करना है कि ये जाने का काम कौन कर रहा है? विद्यालय कर रहा है या मैं कर रहा है? भाई मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ मैं। विद्यालय हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको फोकस करना है वर्ब पे, वर्ब से हमें पता लग जाएगा। वर्ब क्या होती है? वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। तो जा रहा हूं तो ये है वर्ब, ठीक है। वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों से हमें टेंस का पता चल जाएगा। आ जाओ वर्ब, अब इस ट्रिक से काम करेंगे, इससे काम करेंगे। मैंने कहा जंप बिगनिंग टू एंड, इस सेंटेंस की बिगनिंग है मैं, तो मैं के लिए आई। अब आई का यूज करके ये जो आपने आई लिखा है, इस आई से आपको सीधा एंड में पहुंच जाना है, बस ये काम करना है। एक नंबर इसको दे दो, दो नंबर इसको दे दो, तीन नंबर और इसको दे दो, चार नंबर। मैं कह रही हूं अच्छे से सीख के जाओगे, अच्छे से। मैंने कहा जंप बिगनिंग टू एंड, तो आपको लिखना है आई। आपने बिगनिंग में आई लिख दिया, आई से शुरू कर दिया, अब सीधा आपको जंप करना है एंड में। तो सेकंड नंबर पे है रहा हूं, रहा हूं यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स मैंने क्या कहा? ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना मस्ट है। टेंस नहीं आते हैं जिन बच्चों को, उनको ट्रांसलेशन नहीं आएगा, तो पहले आपको टेंस पढ़ना है, ओके। तो जा रहा हूं तो आई एम, अब तीसरे नंबर पे गोइंग, चौथे नंबर पे आ जाओ विद्यालय, विद्यालय तो स्कूल, स्कूल आ गया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, यूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करो। तो यहां पर कहीं भी विद्यालय बस हमने तो बना दी, लेकिन हिंदी के सेंटेंस में कुछ भी नहीं है। गोइंग जो है वो अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन टू लेगा भाई, टू लेगा। इसलिए मैंने जनरल रूल्स में इस फोर नंबर वाले को शामिल किया है कि यूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, एकदम उचित प्रेपोजिशन का आपको यूज करना है। हिंदी के सेंटेंस में कहीं भी टू का सेंस नहीं आ रहा, लेकिन कुछ वर्ब्स अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकते, ओके। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, बताओ आपने ने क्या कहा? जंप बिगनिंग टू एंड, आपने मैं की बनाई, फिर आप सीधा पीछे चले गए, आपने रहा हूं की अंग्रेजी बना ली, फिर आपने जाने की बना ली, फिर आपने विद्यालय की बनाई, आया समझ? चलो नेक्स्ट देखो, वह कल जयपुर चला गया, चला गया, ये जाने का काम किसने किया? वह ने किया, कल ने किया या जयपुर ने किया? भाई जाने का काम तो वह ने किया, तो सब्जेक्ट है ही। चला गया ये क्या है? ये वर्ब है, ओके। ऑब्जेक्ट, जयपुर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये कल क्या है? भाई ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब, या फिर आप इसको एडवर्ब भी लिख सकते हो, आप इसको अदर भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको पूरा ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। हमें हमें इसके फंक्शन नहीं देखने, हमें तो सिर्फ ट्रांसलेट करना है। अब आपको जादुई ट्रिक से काम करना है, जंप बिगनिंग टू एंड, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हमने बना लिया ही जादुई ट्रिक से। देखो वह के बाद में सीधा आपको पीछे जाना है,
वह के बाद में सीधा आपको पीछे जाना है। एक नंबर पे वह, दो नंबर पे गया, चला गया, ठीक है, तीन नंबर पर ये और चार नंबर पे ये। तो पीछा जा, पीछे जाके फिर आपको उल्टा चलना है, ऐसे ऐसे। आ रहा है समझ? आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां से सीधा पीछे गए, फिर आपको उल्टा चलना है, बस यही वो ट्रिक है जिसकी बात हो रही है। तो आपने लिखा ही, चला गया, हमें पता लग रहा है भाई कल चला गया, कल चला गया तो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म। तो ही वेंट, कहां चला गया भाई, कहां चला गया, जयपुर चला गया। ही वेंट, जयपुर यस्टरडे। ये लो ये लो, आया समझ? बस यही वो जादुई ट्रिक है जो मैं आप सबको समझाना चाह रही हूं। ओके, चले सबसे पहले सब्जेक्ट पे आए, सब्जेक्ट के बाद में आकर हमने सीधा हम पीछे चले गए, जंप बिगनिंग टू एंड, शुरुआत से हमने एंड में चले गए, एंड से हम वापस उल्टे चलेंगे, बस यही है। आगे चलो, राजस्थान। अब देखो वो तो था हिंदी से इंग्लिश में, अब आपको इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, सब्जेक्ट क्या है, राजस्थान। ये क्या है, वर्ब। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर कंट्री, ये द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर कंट्री, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ये जो प्रेपोजिशन होते हैं ना, ये बहुत काम के होते हैं ट्रांसलेशन में, ये प्रेपोजिशन बहुत काम के होते हैं। तो बनाओ राजस्थान, जंप बिगनिंग टू एंड, एक नंबर पे इसको ले आओ, दो नंबर, तीन नंबर, ओके, वैसे प्रेपोजिशन आएगा, और ये चार नंबर। अब आपको होगा कि मैम वर्ब, ये लो ये वर्ब पांच नंबर पे आ जाएगी, राजस्थान आर कंट्री। अब देखो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में प्रेपोजिशन है तो हम प्रेपोजिशन के बाद वाला, यानी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर है। तो इस ऑब्जेक्ट की हिंदी बनाएंगे, फिर इस प्रेपोजिशन की बनाएंगे, फिर इसकी बनाएंगे, ओके। तो राजस्थान, हमारे देश, आर कंट्री, अब कब क्या बन जाएगा, का, द लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा राज्य, इज है तो प्रेजेंट है, दिक्कत हुई कहीं कुछ, राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये लो बड़ा सेंटेंस था, लेकिन चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में अनुवाद करोगे, ओके। फर्स्ट नंबर पे एक, फिर सीधा पीछे चले गए, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, सीधा एंड में जाना है और फिर उल्टा चलना है। वह मेरा जानकार था, था से हमें पता लग रहा है कि भाई पास्ट, और कौन था, वह था, ठीक है। सब्जेक्ट किसका था, मेरा, ये ऑब्जेक्ट है, चलो आ जाओ। ही था तो ऑब्वियसली वॉज आएगा, ही वॉज, जानकार के लिए लिखेंगे नोन। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉन अपने बाद में टू प्रेपोजिशन लेगा, लेकिन हिंदी के सेंटेंस में कहीं भी टू नहीं है। ही वॉज नॉन टू मी, किसका जानकार था, मेरा जानकार था। तो मेरा के लिए कहीं पर आई का यूज हो रहा है, कहीं पर मी का यूज हो रहा है, मुझे के लिए कहीं पे आई का यूज हो रहा है, कहीं पे मी का यूज हो रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं, मेरा, मुझे, मैं, मेरा, मुझे, मुझे,
मुझको, ये सारे वर्ड अगर सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहे हैं तो आई का यूज कर लेना, और अगर इनका यूज ऑब्जेक्ट की जगह हो रहा है हिंदी के सेंटेंस में तो मी का यूज कर लेना। ये लो, क्लियर क्लियर। आगे चलो, आपने सबसे पहले वह एक नंबर पे था, दो नंबर पे क्या था भाई, जानकार था, किसका था, मेरा, चार नंबर पे। फर्स्ट से सीधा एंड में पहुंचो, एंड में पहुंचकर सीधा आपको उल्टा चलना है। ये लो, इससे इजी नहीं बना सकती यार, मैं इससे इजी नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल्स नहीं देखेंगे ना, एग्जांपल्स देखो। फूल नहीं तोड़े, आप गार्डन में घूमने गए हो, वहां पर लिखा हुआ है फूल नहीं तोड़े, तो ये क्या दे रहा है, ये कुछ बात कह रहा है, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो किससे शुरू होगा, नहीं तोड़े, डोंट, तोड़ना को क्या कहेंगे, डोंट प्लक। अब कौन से फूलों की बात हो रही है, उन डेफिनेट फूलों की बात हो रही है जो उस बगीचे में लगे हुए हैं, तो द आएगा, डोंट प्लक द फ्लावर्स। क्लियर। वह कल मुंबई जा रही है। अब देखो, मैंने आपको ये ट्रिक तो बता दी, कौन सी ट्रिक, कि जंप बिगनिंग टू एंड, है ना, अधिकतर 90% आप इससे आपका काम हो जाएगा, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, 99% इससे काम हो जाएगा, लेकिन 1% ऐसा भी हो सकता है कि हम शुरू से एंड में जाते हैं और फिर पीछे मुड़ते हैं, तो ये कहीं कहीं किसी सेंटेंस में अप्लाई नहीं होगा, उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। वह कल मुंबई जा रही है, रही है वर्ब ढूंढ ली, ठीक है, वह कौन जा रही है, वह ये सब्जेक्ट है। अब देखो, आपको वर्ब से पता लग जाएगा कि ही का यूज करना है या शी का यूज करना है, ओके, क्योंकि इतनी तो हिंदी हमारी स्ट्रोंग है, रहा है तो ही, रही है तो शी, आपने लिखा शी, जा रही है तो पहले रही है की बनाओ, इज जाना की बनाओ, गोइंग उल्टा चलना है पे हमें, गोइंग टू मुंबई, और इसके बाद में कौन सा है, कल, टुमोरो, ये लो, शी इज, तो एक नंबर, फिर सीधा दो नंबर, तीन, चार और पांच, बताओ बना दिया ना इजी, बिल्कुल। क्या तुम एलडीसी या स्टेनो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि असर्टिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस भी तो आ सकता है ट्रांसलेशन में, बिल्कुल आ सकता है, करेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर यस या नो में होगा, और WH वाले अदर क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई चीज किसी चीज के बारे में पूछा जाता है, कोई इंफॉर्मेशन ली जाती है या और कुछ पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, इसका उत्तर हमें, मैं आपसे पूछूं, मान लो मैंने कोई लाइव सेशन लिया, आपने कमेंट किया, तो मैंने पूछा क्या तुम स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, क्या तुम LDC की तैयारी कर रहे हो, तो आप आंसर क्या दोगे, यस और नो में दोगे ना। इसका मतलब है ये किससे शुरू होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यू, सब्जेक्ट यू है, कौन कर रहा है तैयारी, किसके लिए, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो किससे शुरू होगा, आर, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में या तो WH वर्ड आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, या फिर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब लिखकर फिर हमें वापिस पीछे से शुरू कर देना है, आर यू अब तैयारी कर रहे हो, तो प्रिपेयरिंग LDC या स्टेनो परीक्षा की, तो बताओ प्रिपेयर अपने साथ में कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, फोर, आर यू प्रिपेयरिंग फोर LDC / स्टेनो एग्जाम, ये लो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट,
फिर वापस पीछे से करो, तैयारी कर रहे हो तो प्रिपेयरिंग किसकी, एलडीसी स्टेनो परीक्षा की, तो फोर। अब आप कहोगे कि मैम की के लिए तो अब आता है, हाँ की के लिए अब आता है, लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन की बात हो रही है भाई, यहाँ पर फोर का यूज, क्योंकि प्रिपेयर अपने बाद में फोर लेगा, प्रिपेयर फोर, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो सब्जेक्ट क्या है, कालिदास, क्या है, शेक्सपियर। एक, दो, तीन, चार और पांच, गोल्डन ट्रिक से चलेंगे, जंप बिगनिंग टू एंड, शुरुआत से सीधा एंड में जाएंगे और फिर उल्टे कदम भरेंगे, ठीक है। तो लिखो कालिदास, ठीक है। अब है तो इज शेक्सपियर, तो जब हम किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों से तुलना करते हैं ना, गुणों के बारे में, ना कि व्यक्ति के लिए, उसके गुणों के बारे में बताते हैं, तो द आर्टिकल का यूज होगा, द शेक्सपियर का, तो अव इंडिया, ये लो, कालिदास इज द शेक्सपियर अव इंडिया। तो आपको इस जादुई ट्रिक को फॉलो करना है। ओके, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, तो देखो वर्ब है, निषेध है, निषेध है। एक बात बताओ, सार्वजनिक स्थान, ये निषेध, मैंने क्या कहा कि एक्शन वर्ड, किस एक्शन वर्ड कौन करता है, एक्शन कौन करता है, एक्शन तो सब्जेक्ट करता है, एक्शन वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, सब्जेक्ट, एक्शन को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये जो निषेध है, क्या निषेध है, इसमें एक्शन क्या होगा, धूम्रपान, तो सब्जेक्ट कहाँ है, ये लो बीच में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा हमें सेंटेंस के शुरू में मिल जाए, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, कभी मिल सकता है स्टार्टिंग में, कभी नहीं मिल सकता, हमें तो अपनी वर्ब से पता लगाना है कि इस एक्शन को करने वाला कौन है। तो निषेध क्या है, धूम्रपान है, सार्वजनिक स्थान निषेध नहीं है, तो फिर सार्वजनिक स्थान क्या है, सार्वजनिक स्थान है ऑब्जेक्ट। ओके, चलो आ जाओ। अब मैंने कहा कि कभी कभी ये जादुई ट्रिक जो है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सब्जेक्ट बीच में है तो ऑब्वियसली इसको पहले लेंगे हम, तो क्या आएगा, स्मोकिंग, धूम्रपान को क्या कहोगे, स्मोकिंग है तो इज, क्या है, निषेध, निषेध को क्या कहोगे, प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। कहां निषेध है, सार्वजनिक स्थानों पर। आप कहोगे मैम पर के लिए तो ऑन का यूज होगा, पर के लिए तो ऑन का यूज होगा, लेकिन यहां आएगा इन, ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। इसीलिए अधिकतर बच्चों की यही रहती है कि हमें प्रेपोजिशन में हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन कोई ईजी चीज नहीं है, फिक्स प्रेपोजिशन को लर्न करना पड़ता है। प्रोहिबिटेड इन सार्वजनिक स्थानों को क्या कहोगे, पब्लिक प्लेस, सही है क्या, सही है, सही नहीं है, सेंटेंस गलत है। मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था भाई, मैंने ये कहा था फोकस ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के ऊपर फोकस करो। क्यों नहीं किया फोकस, सार्वजनिक स्थानों प्लूरल है तो यहां पर लगेगा एस, यहां पर लगेगा एस। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमने ये सेंटेंस देखा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बीच में है, ठीक है, एक सेंटेंस और है, मैं कभी दुबई नहीं गया हूं, मैं कभी दुबई नहीं गया हूं, इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाओ, कैसे ट्रांसलेट करोगे, सब्जेक्ट भाई गया हूं तो ये जाने का काम कौन, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये क्या है, कभी नहीं, निगेटिव, निगेटिव बना रहे, कहां, दुबई आई। अब देखो कभी दुबई नहीं गया हूं तो आई हैव,
अब कभी नहीं के लिए यूज होगा नेवर, नेवर बीन टू दुबई। आप कहोगे मैम इस सेंटेंस में ट्रिक ने काम नहीं किया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल करवाया है। मैंने कहा था जंप बिगनिंग टू एड एंड, ठीक है, बिगनिंग टू एंड, लेकिन इस सेंटेंस में हम बिगनिंग टू एंड में जंप नहीं करेंगे। अगर हम बिगनिंग टू एंड में जंप करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव, नहीं नॉट, एक सेकेंड, आई हैव नॉट दुबई ये लो। अब कभी के लिए आप क्या किसका यूज करोगे, समटाइम, समटाइम का, कभी समटाइम का यूज कर लोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आप उस ट्रिक के हिसाब से चलोगे तो। क्यों, हाँ वो ट्रिक यहाँ पर 90% काम कर रही है। कैसे, मैं एक नंबर पे, फिर सीधा पीछे चले जाओ ना, गया हूँ तो ऑब्वियसली हैव, दो नंबर पे आ गया ये, नहीं के लिए आ गया नेवर, बीन टू, बीन टू क्योंकि हैव के साथ बीन आया है, बीन टू फिर दुबई, यानी उस ट्रिक ने 90% काम किया है। लेकिन आप फुल्ली, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू कर दिया, भाई रजनी मैम ने बताया था हम तो सब्जेक्ट को लेकर सीधा पीछे से शुरू करेंगे, रजनी मैम तो ने तो बताया था, लेकिन उस ट्रिक को फॉलो करने के साथ साथ हमें अपना कॉमन सेंस भी लगाना है थोड़ा सा, कि मैं सब्जेक्ट लिख लिया, गया हूं तो हैव, नहीं तो नेवर। ये जो नेवर है उसका मतलब है कभी नहीं। तो आपने मैं से शुरू किया, फिर पीछे चले गए, फिर आपने नहीं लिखा, फिर दुबई लिखा, ट्रिक तो काम कर रही है, उसी ट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ अप्रोप्रिएट चीजें भी लगानी होती हैं। जैसे गया, यहां पर वेंट का सेंस नहीं आ रहा, ये जो बीन है नेवर बीन का मतलब है मैं कभी दुबई होकर नहीं आया हूं, होकर नहीं आया हूं, तो सेंटेंस ये यूज करते हैं आई हैव नेवर बीन टू दुबई, ये अप्रोप्रिएट। उस ट्रिक ने 90% काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट चीजें भी लगानी होती है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और ये चार नंबर, आई हैव नेवर बीन टू दुबई। क्लियर, ये मेरा छोटा सा प्रयास था जो ट्रांसलेशन का आपके माइंड में जो डर था उसको निकालने का। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कमेंट करके जरूर बताओगे, एक एक कमेंट तो जरूर करोगे कि ये आज की क्लास आपको कैसी लगी है, चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। और प्लीज़ यार, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपका थोड़ा सा भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंग्लिश में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। अभी LDC के एस्पायरेंट्स के लिए, LDC 2024 आपका एग्ज़ाम होना है 11 अगस्त को, ठीक है। अभी जो टेस्ट सीरीज है स्मृति पर, स्मृति की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 23 जुलाई से 6 अगस्त, 23 जुलाई से 6 अगस्त तक आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ओके, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। अब उसका टाइम वही है जो एग्जाम का टाइम है। मैं कह रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि एग्जाम देने जब जाओ आप, तब आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें चार चांद लगाकर जाओ। तो जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का टाइम हमने वही रखा है जो एग्जाम का, हम पहले से ही वही रख रहे थे। फर्स्ट पेपर को 10 बजे ले रहे थे और सेकेंड को 3 बजे, लेकिन फर्स्ट पेपर क्योंकि 9 बजे होगा तो हम थोड़ा एक घंटा पहले, 9 to 12, फर्स्ट पेपर का टाइम 9 to 12 है और सेकेंड पेपर का टाइम है 3 to 6 PM, 3 to 6 PM, ओके। 9 से 12 फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर है 3 से 6। जो बच्चे LDC के एस्पायरेंट्स हैं, लास्ट में एक दिन छोड़कर एक दिन आपके टेस्ट होंगे, ये शेड्यूल मैंने आपको दे रखा है, ओके। आप लास्ट टाइम में पूरे एग्जाम पैटर्न पे अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं, जिस पर कल से
ओके, 21 जुलाई से सभी कोर्सेज पे, ठीक है, चाहे वो एलडीसी की टेस्ट सीरीज हो दोनों पेपर की, चाहे वो स्टेनो की दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो फुल बैच हो, सभी सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है मॉनसून, मॉनसून प्रोमो कोड यूज़ करना है कल से। एक चीज़ और, जो एलडीसी के बच्चे हैं जिन्होंने फुल बैच ले रखा है, उन बच्चों से हमने प्रॉमिस किया था कि आपको लास्ट में 5 फ्री टेस्ट देंगे, तो 23 जुलाई से आपको 5 फ्री टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, फुल बैच के स्टूडेंट्स को, एलडीसी के फुल बैच के स्टूडेंट्स को 5 फ्री टेस्ट दिए जाएंगे। स्टेनो के स्टूडेंट्स को भी लास्ट में जब फुल लेंथ टेस्ट होंगे उनको भी ये सारे टेस्ट दिए जाएंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी होता है हर टीचर के लिए, फीडबैक देना भी ज़रूरी होता है। आपके जो फीडबैक होते हैं उसी से हम खुद को मोटिवेट करते हैं, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं और बेहतर चीज़ें आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।